अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ नई नई इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं, आज मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन लाया हूं काफ़ी मुफीद है और हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक नया बिज़नेस आइडिया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जी, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ आज का बिज़नेस आइडिया वो है शवारमा बिज़नेस का। हमारे मुल्क में अरूज पाता हुआ एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा खासा पैसा इंसान को कमा के दे सकता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ मुकम्मल तफसील कि शवारमा बिज़नेस किस तरह शुरू होता है और किस तरह इसको आगे सेल वगैरह करके क्या क्या आइटम इसमें इस्तेमाल होते हैं और किस तरह आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो स्टे विद मी और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने बताया आपको कि मैं आज आपको शवारमा बिज़नेस के बारे में बताना जा रहा हूँ। जी हाँ, शवारमा एक ऐसा बिज़नेस है जो हर शहर में, हर देहात में ये बिज़नेस चल सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, काफ़ी अब छोटे छोटे देहातों में भी लोगों ने ये बिज़नेस को अपनाया हुआ है और अच्छी खासी सेल कर रहे हैं। इस बिज़नेस के लिए कोई मखसूस जगह नहीं है, ना ही आपको स्पेशल आपने दुकान लेनी है। अगर लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बिज़नेस आप किसी भी पार्कों के साथ, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों के साथ या शॉपिंग मॉल्स के साथ आप बाहर खड़े होकर भी इस बिज़नेस से अच्छा खासा अपना हाथ कमा सकते हैं। मेरे जो ज़ाती ख्याल के मुताबिक अगर आप इस बिज़नेस को एक जगह अगर ना खड़ा करके अगर चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप कोई रेडी वगैरह बनवा लें उसमें रोज़ाना एक जगह से दूसरी जगह इधर से उधर आप अपना कारोबार चलाते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक जगह ठिकाना लाजमी नहीं है कि वो आपको ज़्यादा मुनाफा दे। हो सकता है अगर आप घूम फिर कर आप अपनी सेल करेंगे तो हो सकता है आपको एक ज़्यादा प्रॉफिट, एक ज़्यादा मार्जिन मिले। शवारमा एक ऐसी चीज़ है जो हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, यकीनन आपको भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, हमारे घर वाले अहबाब दोस्त वगैरह इन सबको पसंद होता है शवारमे। मैं आपको बताता चलूँ, शवारमे का बिज़नेस तकरीबन पूरा दिन चलने वाला काम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ और करते हैं तो इसको पार्ट टाइम के तौर पे भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो गर्मियों में ये बिज़नेस ज़्यादातर शाम के बाद ही शुरू होता है, 4-5 बजे के बाद ये बिज़नेस शुरू होता है जब सूरज ढलने लगता है। और सर्दियों में ये बिज़नेस पूरा दिन जारी रहता है, सुबह से शाम तक आप अपना कारोबार चला सकते हैं। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, इस काम के लिए इतना ज़्यादा कोई अकल बूझ समझ बूझ की ज़रूरत होती है ना ही कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला काम है ये। इस काम में आपने करना क्या है, अगर आप किसी माल वगैरह के आगे मुस्तकिल तौर पर ठिकाना बनाते हैं तो आपको एक केबन की तरह बनाना होगा, जिसमें आपका चूल्हा, जिसको बर्नर कहते हैं, वो होगा, केबन होगा। केबन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, एक राड होता है जिसपे गोश्त लटकाया जाता है, साथ ही बर्नर लगे होते हैं जो हल्की हल्की हीट देकर गोश्त को पकाते रहते हैं। गोश्त के ऊपर मसाला लगाया जाता है और 2 घंटे कम से कम इसको हल्की आंच पे सेक मिलता रहता है, तो ये अच्छी तरह मसाला गोश्त में जज़ब हो जाता है और एक अच्छा खुशबूदार जायका बन जाता है। अब मैं आपको मुकम्मल सेटअप बताता जो दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त वगैरह पे किस तरह मसाला लगाया जाता है और क्या क्या किया जाता है। तो इस जो मैंने आपको कहा, अगर आप कोई रेड़ी वगैरह बनाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको आसानी रहेगी, तो आप एक छोटी सी रेड़ी चाहिए होगी जिसके पहिए वगैरह लगे होने चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो। आजकल मोटरसाइकिल वगैरह रेड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, अगर ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की रेड़ी मर्जी बनवाना चाहें, आपने एक रेड़ी तैयार करनी है, उसके ऊपर एक केबन सा लगवाना है जिसमें ये बर्नर वगैरह और जो सीख वगैरह लगी होती है राड़ पे जिस पे गोश्त लटकाया जाता है, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ देखें, अगर आपने किसी मुस्तकिल जगह पर ठिकाना लगाना है तो आपको किसी किस्म की कोई रेड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपने एक जगह अपनी मखसूस कर लेनी है। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे रश वगैरह लगा रहता हो, बच्चों का रश होता हो, बड़ों का रश होता हो, शाम के टाइम लोग चहलकदमी करने के लिए आते जाते रहते हों और या शॉपिंग वगैरह करने के लिए लोग आते जाते हों, कोई ना कोई पिकनिक स्पॉट हो गया वहाँ पर भी ये काम अच्छा चल सकता है। बिलफर्ज लोग अगर शॉपिंग करने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं खाने पीने के लिए, बच्चे ज़िद कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी एडवांटेज मिल जाता है, या पिकनिक स्पॉट अक्सर लोग खाने पीने की चीज़ें उधर से ही खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी सेल हो जाती है। या कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ दोस्त अहबाब जो आपस में मिल बैठ के ये काम शुरू करते हैं, मिल बैठ के जो इकट्ठे होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए इन्हीं स्टॉल्स का रुख करते हैं।
तो अगर आप ऐसी जगहों पे अपना ये स्टार लगाएंगे तो आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। तरीके में भी आपको उसी तरह का एक बर्नर चाहिए होगा जिस पे गोज लटका होगा, इधर उधर केबल लगा होगा, खूबसूरत सा पैना फ्लेक्स लगा होगा जिस पे आपका नाम और फलां शवारमा शाह वगैरह आप इस पे नुमाया कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था सेटअप आपका। अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मुश्किल जगह आपने कोई बनानी है तो आप अगर इस के साथ कुछ चेयर वगैरह टेबल वगैरह रख सकते हैं तो लोग हो सकता है आपके पास बैठ के खाएं, और इस तरह ज़्यादा लोगों का रुख आपकी तरफ हो सकता है। मैंने नहीं देखा किसी भी जगह पे ये शवारमा वगैरह के साथ, सिर्फ जहाँ पे शिफ्ट हुआ है शवारमा पॉइंट होता है वहाँ पर बैठने के लिए इसको टेबल चेयर लगी होनी चाहिए, लगी होती हैं। कहीं भी ऐसी जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पर ये टेबल चेयर लगी हुई हों। इस तरह अगर आप ये टेबल चेयर लगा कर एक नया ट्रेंड शुरू कर सकते हैं और ग्राहकों को अपनी तरफ मतवजा कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप बोतल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख देंगे तो हो सकता है जो बैठ के खाने के लिए आता है वो आपसे बोतल वगैरह भी खरीद लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस काम पे कितना खर्चा वगैरह लगता है। जो केबल वगैरह बनवाने पे तकरीबन बर्नर भी और जो राड वगैरह लगा होता है वो घूमता रहता है, थोड़ी सी मशीनरी होती है इसकी, मशीन टाइप की लगी होती है जो इसको गोश्त को घुमाती रहती है। अगर वो आप बिजली पे चलती है, अगर वो आप ना भी चलाते हाथों से भी, लेकिन इस पर थोड़ी मेहनत है, हाथों से भी आप घुमाते जाएँ तब भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है। क्या कहीं पे अगर आपको बिजली की सहूलत मुयसर नहीं है तो तब भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बर्नर गैस पे चलाना होगा। अगर बिजली वाले बर्नर हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, अगर गैस वाला है तो चलो फिर भी ठीक है। अब आपका मुकम्मल स्टॉल वगैरह पे या रेडी वगैरह लगाते हैं आपका 30,000 रुपये का इस पर खर्चा है। अगर आप टेबल वगैरह या कुर्सियाँ वगैरह लेना चाहेंगे आपका एक अलग खर्चा है, स्टॉल पे 30,000 का खर्चा है। अच्छा, शवारमे में जो मेन चीज़ डलती है इसमें गोश्त होता है, जो इसको आजकल तो लोग गोश्त बर्नर इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं कर रहे, ना ही वो राड वगैरह खाली खड़ा होता है उस पर गोश्त लगा होता है, या लगा होता है तो सिर्फ खुश्क लगा होता है, काट के तवे पे उसको जिसका टकाटक बनाते हैं उस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको बना रहे होते हैं। तो ये भी अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो असल तरीका वही है शवारमे का, जो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होता है वो यही होता है, वो बर्नर के ज़रिए अच्छी तरह भून जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं वो कर लें, या तवे पे जो आजकल हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं कुछ ना कुछ नया तरीका निकाल लेते हैं, तो अगर वो तवे वाला तरीका भी आप इस्तेमाल करते हैं तब भी बेहतर है, आप अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जो शवारमा है उसमें जो मायनीज डलता है शायद बहुत महंगा है, जो हम बड़े बड़े जनरल स्टोरों में या अपने शॉपिंग मॉल में देखते हैं बड़ी कंपनियों के शवारमा की छोटी बोतलें काफ़ी महंगी कीमत में मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है शवारमे वाले जो देसी तरीके से शवारमा के लिए जो ये मायोनीज तैयार करते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बताता चलो, मुझे नहीं पता ये तरीका सही है या गलत है, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जो वो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये तरीका होता है कि किसी भी कंपनी का ऑयल ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें से नमक और काली मिर्चें डाल के उसमें कुछ अंडे डाल के अच्छी तरह उसको फेंट लेते हैं किसी मशीन में फेंटने के, जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाता है तो उनके ख्याल में ये एक मायोनीज बन गई है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कहीं मायोनीज वगैरह आप जो शवारमे की मायोनीज होती है आपके ऊपर गिरती है या किसी अखबार वगैरह पे, तो उस पर आयल की तरह एक दाग सा लग जाता है, कुछ और नहीं होता, ये वही आयल होता है। तो ये है मायोनीज तैयार करने का तरीका, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने अब इस पे 30,000 का आपका सेटअप बन गया, बाकी डेली की जो ब्रेड वगैरह लेनी है और मायोनीज तैयार करनी है, जो सलाद का जो इसमें होता है सलाद वलाद इस्तेमाल करते हैं, सलाद में जाता है ये गोभी वगैरह इस्तेमाल, बंद गोभी इस्तेमाल की जाती है। तो ये था मुकम्मल सेटअप। अब आपका जो बताता हूँ जो दूसरा जज़ा है जो डबल रोटी वगैरह, इन पे आपने अगर डेली का अगर आपका 5,000 का खर्चा होता है तो आप शवारमा बेचेंगे किस तरह, आप मुख्तलिफ साइज़ों में मुख्तलिफ रुपयों मुख्तलिफ कीमतों में ये शवारमा मार्केट में मौजूद है, यानी समाल 40 का, मीडियम, फिर लार्ज 60, 80, 100 इस तरह के रेट में ये हमारे यहाँ बेचे जा रहे हैं। तो इस मुख्तलिफ साइज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें गोश्त वगैरह सलाद का खर्चा डबल रोटी का खर्चा हर चीज़ निकाल कर एक शवारमे में भी आपको शवारमे की कीमत का आधी रकम बच सकती है। जी हाँ व्यूवर्स, किसी भी शवारमे में अगर हम मसलन आप अगर एक शवारमा आपकी कीमत लगती है उसके ऊपर 30 रुपये बनाने में, तो अब आप इसको 45 रुपये का फरोख्त कर सकते हैं, यानी ये कोई छोटी बहुत भी बचत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि हर गली मोहल्ले में शवारमा आम हो गया है, लोग दुकान इस वजह से लोगों की थोड़ी
सी दुकानदारी मुतासर हुई है, जो लोग पुराने बैठे थे, लेकिन रिस्क देने वाली खुद अल्लाह ताला की ज़ात है, किसी ने घबराना नहीं है। अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है, उसने हमें हमसे वादा किया हुआ है कि जितना रिस्क है इंसान का वो उसको मिल के ही रहना है। इसलिए रिस्क के बारे में ना ही परेशान होना है, ना ही किसी गलत तरीके से अपना रोज़ी कमाना है। तो हमेशा हलाल तरीके को अपनाइए और अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाइए। तो यकीनन आपको मेरा बिज़नेस आइडिया का पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक।